हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। आज हम एक इंडियन पोएटेस जिनका नाम है सुजाता भट्ट, उनकी लिखी गई पोएम वॉयस ऑफ द अनवांटेड गर्ल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह पोएम भ्रूण हत्या पर आधारित है। भ्रूण हत्या का मतलब होता है कि बच्चे को जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में हत्या कर देना। अबाउट द पोयम, अब हम इस कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वॉयस ऑफ द अनवांटेड गर्ल इज टेकन फ्रॉम सुजाता भट्ट एंथोलॉजी ऑफ पोयम माई मदर्स वे ऑफ वेयरिंग अ साड़ी। वॉयस ऑफ द अनवांटेड गर्ल कविता सुजाता भट्ट की संग्रह माई मदर्स वे ऑफ वेयरिंग अ साड़ी से ली गई है। इन दिस पोएम ए गर्ल फ्रॉम हर मदर्स वूम एक्सप्रेसेज हर एगोनी एंड ग्रीफ टू हर मदर एज वेल एज टू द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सी क्वेश्चंस हर मदर दैट वाई सी वॉज नॉट अलाउड टू बॉर्न एंड सी द आउटसाइड वर्ल्ड। वट वॉज हर फॉल्ट? वाई Was she killed in the womb? Why her mother wants to get rid of her? तो इस कविता में एक बच्ची जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, वह अपनी माँ के गर्भ से ही अपनी व्यथा और दुख अपनी माँ को और पुरुष शासित समाज को प्रकट करती है। वह बच्ची अपनी माँ से प्रश्न करती है कि क्यों उसे जन्म नहीं दिया जा रहा है और दुनिया देखने नहीं दिया जा रहा है। उसकी क्या गलती है? उसे गर्भ में ही क्यों मारा जा रहा है? क्यों उसकी माँ उसे छुटकारा पाना चाहती है? ऑल्दो द लिटिल गर्ल डाइज इन द वूम्ब बट हर सोल रिपीटेडली आस्क्स हर मदर टू सर्च हर। हालांकि वह बच्ची अपनी माँ के गर्भ में ही मर जाती है, लेकिन उसकी आत्मा बार बार अपनी माँ से कह रही है कि मुझे खोजो माँ, मुझे ढूंढो। तो अब हम कविता को लाइन बाय लाइन हिंदी में डिस्कस करेंगे। वॉयस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। वॉयस ऑफ द अनवांटेड गर्ल का मतलब है अनचाहे लड़की की आवाज। मदर आई एम द वन यू सेंट अवे। एक अजन्मी बच्ची अपने माँ के गर्भ से कह रही है कि माँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने इस दुनिया में आने से पहले ही दूर भेज दिया। वेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल। जब डॉक्टर ने तुम्हें कहा मैं लड़की हूँ। इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी। आखिरकार माँ, तुमने डॉक्टर की मदद से इंजेक्शन देकर मुझे मार ही डाला। बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, द मॉनसून स्लश, द विंड सल्किंग थ्रू योर बिलवेड मुंबई। मरने से पहले माँ, मैंने बाहर गाड़ियों की आवाज सुनी, वर्षा ऋतु की गंदी बर्फीली पानी की आवाज भी सुनी और गुस्से से बहती हवाओं की आवाज भी सुनी जो तुम्हारी सपनों की शहर मुंबई से होकर गुजरती है। आई कुड हैव क्लच्ड द नियॉन ब्लू, नो वन वांटेड। फिर वह अजन्मी बच्ची अपने माँ को झिंझोर कर कहती है, माँ, मैं उस नीले आसमान को छू सकती थी। नियॉन ब्लू से यहाँ नीला आसमान समझाया जा रहा है, लेकिन कोई भी यह नहीं चाहता था। तो इन लाइनों से हमें यह पता चलता है कि डॉक्टर के सुई लगाने के बाद वह लड़की मृत्यु शैया पर थी। तब उसे मुंबई शहर की ट्रैफिक, बारिश और हवाओं को अनुभव किया था। नो वन वॉन्टेड टू
टू टच मी एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोस्पी रूम। फिर वह बच्ची जहरीली सुई की वजह से मर जाती है और कहती है, किसी ने भी मुझे छूना पसंद नहीं किया सिवाय ऑटोस्पी रूम के। ऑटोस्पी रूम मतलब शवगृह, जहाँ शवों को रखा जाता है। शवों मतलब लाश या मरे हुए व्यक्ति। When they knew my mouth would not search for anything and my head could be measured and bent cut apart। और जब उन्हें पता चला कि मैं अब मर चुकी हूँ और मेरी मुंह अब कोई भी चीज की मांग नहीं कर सकेगी, तब उन लोगों ने मेरे सिर को मापा और काट दिया। I looked like a sliced pomegranate। मैं बिल्कुल कटे हुए अनार की तरह लग रही थी माँ। The fruit you never touched। मैं वही हूँ माँ जिसे तुमने कभी छुआ ही नहीं। Mother, I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl, your second girl। फिर वह लड़की झिंझोर कर अपने माँ से कहती है, माँ मैं वही हूँ तुमने जिसे अपने से दूर किया जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि मैं एक लड़की हूँ, तुम्हारी दूसरी बेटी माँ। Afterwards, as soon as you could, you put on your grass green sari, the orange stems of the parijatak blossoms glistened in your hair। मेरी मृत्यु के तुरंत बाद ही माँ तुमने नई हरी साड़ी पहनी और पारिजातक फूलों से बालों को सिंगार किया जिससे तुम्हारे बाल चमक उठे। ग्लिसेंड मतलब चमक उठना। Everyone smiled। तुम्हें देख सभी मुस्कुराए माँ। तो इन लाइनों में वह अजन्मी बच्ची अपनी माँ की सुंदरता को बयान कर रही है कि उसकी माँ बहुत ही सुंदर है। But now I ask you to look for me, mother, look for me because I won't come to you in your dreams। लेकिन अब वह बच्ची अपने माँ से कहती है, तुम मुझे ढूंढो माँ क्योंकि मैं अब तुम्हारे सपनों में कभी नहीं आऊंगी। Look for me, mother, look, because I won't become a flower, I won't turn into a butterfly। मुझे ढूंढो माँ, मुझे खोजो क्योंकि अब मैं कभी फूल नहीं बन पाऊंगी और कभी तितली भी नहीं बन पाऊंगी। तो ये बच्ची फूल और तितली का एग्जाम्पल इसलिए दे रही है क्योंकि कली फूल में परिवर्तित होती है और कैटरपिलर यानी कि कमला तितली में परिवर्तित होती है। जिस प्रकार अगर हम कली या कमला को नष्ट कर दें तो वे फूल और तितली नहीं बन सकती, उसी प्रकार उस माँ ने अपनी अजन्मी बच्ची को नष्ट कर दिया है। इसलिए वह बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि वो अब कभी फूल और तितली नहीं बन पाएगी। एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ anyone's सॉन्ग। और अब मैं किसी के गीत का भी हिस्सा नहीं हूँ। तो ये बच्ची गीत इसलिए कह रही है क्योंकि अगर उस बच्ची का जन्म होता तो महिलाएं उस बच्ची का नाम लेकर गीत गाती, खुशियां मनाती। Look, mother, look for the place where you have sent me। देखो माँ, मुझे ढूंढो माँ उस जगह पर जहाँ तुमने मुझे भेज दिया अपने से दूर। Look for the unspeakable, for the place that can never be described। Unspeakable मतलब अशोभनीय बात या फिर कार्य। वह अजन्मी बच्ची अपने माँ को फिर से झिंझोर कर कहती है, माँ तुमने मुझे उस स्थान पर भेज दिया जिस स्थान के बारे में बात करना अशोभनीय है, कोई उस स्थान के बारे में बात करना नहीं चाहता। Look for me, mother, because this is
व्हाट यू हैव डन। माँ मेरी तरफ देखो माँ, क्योंकि तुमने ही मेरे साथ यह सब किया। लुक फॉर मी मदर, बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल। यह सब भगवान की इच्छा से नहीं हुआ, यह सब तुम्हारे इच्छा से हुआ है माँ। लुक फॉर मी मदर, बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइडेड। मुझे ढूंढो माँ, क्योंकि मैंने ही फॉर्मेल्डिहाइडेड जैसे गंदी जहरीली गैस को महसूस किया है। आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर। मैंने फॉर्मेल्डिहाइड गैस को भी महसूस किया माँ, फिर भी माँ मेरी इच्छा है कि तुम मुझे ढूंढो, मेरी तलाश करो माँ। तो वह बच्ची इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाती है, पर उसकी जो आत्मा है अभी भी अपने माँ से प्रश्न करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसे गर्भ में ही क्यों मार डाला, क्यों वह भ्रूण हत्या की शिकार हुई, सिर्फ इसलिए कि वह एक बालिका थी। तो यहाँ हमारा पोएम खत्म होता है। अगर आपको कोई भी लाइन या पैराग्राफ या वर्ड समझने में दिक्कत हुई हो तो हमें कमेंट करें, हम कमेंट को पढ़ेंगे और आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे।